दोस्तों गुड आइम सी, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। और आज हम लोग फिर से बात करने वाले हैं, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी IMC बिजनेस प्लान के बारे में, जो कि 1 अगस्त से अप्लाई हुआ, तो उसको हमने कंटिन्यू किया है इस वीडियो में। तो दोस्तों आप देख पाएंगे कि एक कंपनी के अंदर कंटिन्यू एक पॉलिसी स्टार्ट कर दी गई है कि आप फास्ट सुपरस्टार यानी कि 30% लेवल को अचीव कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर कोई भी एसोसिएट 1 महीने के अंदर 60,001 PGBV यानी कि पर्सनल और ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम दोनों को मिलाकर 1 महीने में बनाता है, तो उसका जो लेवल है वो 30% हो जाएगा और साथ में उसका जो उसे सुपरस्टार कहा जाएगा। दोस्तों एक चीज़ और है साथ में, क्वालिफाइड सुपरस्टार। जी हाँ दोस्तों, क्वालिफाइड सुपरस्टार होता क्या है? जो व्यक्ति अपने 1 महीने के जो बिजनेस वॉल्यूम होते हैं, जिसे बोलते हैं 30,000 PGBV, अगर बनाता है तो सुपरस्टार बनने के बाद में, तो उसे क्वालिफाइड सुपरस्टार कहा जाता है। जो भी एसोसिएट IMC कंपनी में हैं और सुपरस्टार लेवल पर हैं, वो किसी भी महीने अगर पूरे 30,000 बिजनेस वॉल्यूम बनाते हैं अपने और ग्रुप के मिलाकर, तो उनको क्वालिफाइड सुपरस्टार कहा जाता है। और कंपनी ने इसके लिए अपने कुल टर्नओवर का 3% फंड रिलीज करती है, जो कि क्वालिफाइड सुपरस्टार्स में बराबर बराबर बांटा जाता है। ये पहले यही फंड आपका 2% हुआ करता था, लेकिन अब 3% कर दिया है कंपनी ने, 1% बढ़ा दिया है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, कंपनी के कुछ लेवल्स हैं, कुछ अचीवमेंट्स हैं, किस तरीके से हम उन पर स्टेप बाय स्टेप पहुंचते हैं, कैसे क्या करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आप का जो मेन जो बेस लेवल होता है कंपनी के अंदर, वो होता है सुपरस्टार। पूरा जो आपका स्ट्रक्चर है, अगर आपको किसी भी लेवल पर जाना है, तो सबसे पहले आपको सुपरस्टार अचीवमेंट करना है, और अपनी टीम में जितने आप सुपरस्टार्स बनाते जाएंगे, उतना आपका लेवल ग्रो करता जाएगा IMC के अंदर। दोस्तों ठीक इसी तरीके से जब आप खुद सुपरस्टार बनते हैं, और ज्यों ही आप अपनी डाउन में यानी कि अपनी टीम में एक सुपरस्टार बनाते हैं किसी भी एक लेग में, और अदर लेग से आप 20,000 बिजनेस वॉल्यूम करते हैं उस महीने, तो आपका लेवल सुपरस्टार से बढ़कर पहुंच जाता है अगले न्यू पिन पर। उसका नाम है सिल्वर स्टार एसोसिएट, यानी कि आप कंपनी में बन जाते हैं सिल्वर स्टार। और जैसे ही आप किसी भी 1 महीने के अंदर अपने नीचे अलग अलग लेग में 2 सुपरस्टार बनाते हैं, और एक लेग से या बाकी टीम से 20,000 बिजनेस वॉल्यूम इकट्ठा करते हैं, तो आप उस महीने बन जाते हैं गोल्ड स्टार एसोसिएट। सेम इसी तरीके से अगर आप अपनी अलग अलग लेग में 3 लेग में सुपरस्टार करते हैं, तो आप बन जाते हैं रूबी। यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो साइड बिजनेस वॉल्यूम है रूबी से, वो मैंडेटरी नहीं है, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि आप 20,000 अलग से बिजनेस वॉल्यूम करें या ना करें, लेकिन सभी में कंडीशन ये रहेगी कि अगर आप 20,000 बिजनेस वॉल्यूम करेंगे, तो आपको 3 लाख का जो फंड होता है वो आपके लिए रिलीज होगा। और अगर आप साइड से नहीं कर पाते हैं, तो 1 जो लेग है आपकी वीकर लेग, उसका जो फंड है वो आपके अपलाइन को चला जाएगा। ये ध्यान रखने वाली बात है रूबी से लेकर ऊपर जितने भी लेवल हैं सभी पर। तो इस रूबी के बाद में जैसे ही आप जिस भी महीने में 4 अलग अलग लेग में डिफरेंट लेग में सुपरस्टार बनाते हैं, तो आपका लेवल हो जाता है डायमंड स्टार। सभी की पिंस दे रखी हैं, आप आराम से देख सकते हैं किस तरीके से हमारे लेवल्स बढ़ रहे हैं। जैसा कि आपका सिल्वर पर रेड पिन है, उसके बाद में आपका गोल्ड पर येलो है, और रूबी पर मरून है, डायमंड पर ब्लैक है, और आगे जो है हमारे स्टार, सिंगल स्टार, डबल स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, इस तरीके से हमारे जो है लेवल्स आगे जाके चेंज होते हैं, यानी कि पिंस चेंज होती रहती हैं। तो जैसे ही हम जिस महीने 1 महीने में डिफरेंट लेग में अपनी 5 सुपरस्टार बनाएंगे, तो हमारा लेवल हो जाएगा कंपनी के अंदर चेयरमैन स्टार। और इसमें हमारा जो परसेंटेज लेवल होता है वो होता है 45%। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने प्लान में देखा या और भी वीडियोस में देखा होगा, बैक वीडियोस में या आने वाली वीडियोस में आपको देख पाएंगे, तो क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर है क्या। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको पूरा प्लान खुद से आना चाहिए, आप सामने प्रेजेंट क्या कर रहे हैं ये बात की बात है, आपको प्लान की हर एक बारीकी पता होना चाहिए। ऐसे ही आप जब अगले स्टेप पर पहुंचेंगे, यानी कि किसी महीने में आप डिफरेंट लेग में 6 सुपरस्टार बनाते हैं, तो आपका लेवल हो जाएगा एम्बेसडर स्टार। और जैसे ही आप अलग अलग लेग में जब आप 60
सुपरस्टार बनाएंगे तो आप क्राउन एम्ब्रॉयडर कहलाएंगे, और जैसे ही 8 बनाएंगे तो आप प्रेसिडेंट स्टार कहलाएंगे, 9 बनाएंगे तो क्राउन प्रेसिडेंट स्टार कहलाएंगे, और इसी तरीके से धीरे धीरे आप बड़े लेवल पे पहुंचते चले जाएंगे। कहने का मतलब, मैंने लास्ट में एक बात कही है आपसे कि ये पूरा का पूरा बिजनेस सुपरस्टार बनाने और बनने का है। जितने मैक्सिमम आप सुपरस्टार्स अपने डिफरेंट डिफरेंट लैब्स में क्रिएट करेंगे, अपने टीम में क्रिएट करेंगे, और उनके नीचे भी आप यही सिखाएंगे, डुप्लीकेसी आप अपने टीम में लगाएंगे, तो ऑटोमेटिक आपके लेवल्स डे बाई डे ग्रोथ करते चले जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो यही आपकी रफ्तार जो है क्राउन प्रेसिडेंट के बाद में सीनियर क्राउन प्रेसिडेंट स्टार, डायरेक्टर क्राउन प्रेसिडेंट स्टार, और इसके बाद में कोहिनूर क्राउन प्रेसिडेंट स्टार एसोसिएट तक जाएगी। एंड सबसे टॉप का लेवल जो है वो है हमारा कोहिनूर क्राउन प्रेसिडेंट स्टार।